जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 15 फरवरी के दिन जो आपका विज्ञान का पेपर होने वाला है उस पेपर का मैं टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, 80 में से आपको मैं 40 का आंसर इस वीडियो में बताऊंगा और 40 का आंसर अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। देख लेना पूरा हूबहू क्वेश्चन ए टू जेड आपका पूछा जाएगा, ए टू जेड क्वेश्चन पेपर एकदम पूछा जाएगा हूबहू एग्जाम में, एक से लेकर 80 तक का प्रश्न आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो जो फटाफट इसको याद करो, देखो आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन आपका निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है, तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक मलेरिया परजीवी है, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो, ये क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो आपका आंसर होगा आपका बायोमास हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर में दिया गया बायोमास, आंसर आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन आपका तीन नंबर पूछा गया, तीन नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया है, बी नंबर में 5 दिया है और सी नंबर में यहाँ पर 6 दिया है, तो आप लोग समझ सकते हो इसका आंसर 6 ही होगा, इसका आंसर 6 मिलेगा, सी नंबर वाला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब लोग याद रखो, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपसे चार नंबर पूछा गया कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, कितना होती है, 4 होती है, आंसर याद रखना सी नंबर वाला होगा, ठीक है। अब देखिए जी अगला क्वेश्चन है पाँच नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मृतजीवी, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जितना हो सके उतना मैं अपनी ओर से मदद करूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है छः नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया गया, तो आप लोग बता सकते हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर आपका सी नंबर होगा, सी नंबर C2H4, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, आंसर आपका सी नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ना वो हमेशा धनात्मक होती है, इनकी प्लस में होती है, आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, 8 नंबर क्वेश्चन है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, तो प्राय हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखो। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा बी नंबर एनोडीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है, तो यूनिट होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है जी, यूनिट होता है, सी नंबर में दिया गया, आप लोग याद रखना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, देखो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है, ये क्वेश्चन आएगा एकदम ठीक लगाना डी नंबर पर एकदम फटाक से सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध बनते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु H2 यानी कि HH के बीच कितना बंध का निर्माण होता है, सिंगल बंध यानी कि एक अबंध का निर्माण होता है, आंसर होगा ए नंबर वाला, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, आहार श्रृंखला का कौन निर्माण करता है, अच्छे से आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर आप लोग बी को देखो, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खा जाता है, तो आंसर आपका आहार श्रृंखला के लिए आपका बी नंबर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सब लोग अच्छे से याद रखो। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, तो इसका आंसर होगा आपका अग्नाशय होगा, जो आपका अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन है कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपका CH4 हो जाएगा, CH4 होगा कि नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, CH4 हो जाएगा, मीथेन, जिसका नाम क्या देते हैं हम लोग, जिसका नाम हम लोग मीथेन देते हैं, ठीक है, जिसका नाम हम लोग मीथेन देते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण का उपयोग कर सामने तो वाहनों का आपस दृश्य के रूप में हम लोग वरीयता देते हैं, तो हम लोग उत्तल दर्पण का वहाँ पर प्रयोग करते हैं, आंसर आपका होगा सी नंबर, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन में ह्रास क्या कहलाता है जी, ऑफ चयन कहलाता है, आंसर आपका बी नंबर होगा, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सा गैस वैश्विक उष्मरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, ठीक है। CO2 गैस उत्तरदायी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी होता है। सब लोग याद रखो, 18 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? पितरस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? सब लोग अच्छे से याद रखना, जो पितरस होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। यकृत यानी कि लीवर, इसका नाम एक और क्या है, इसका नाम एक और होता है लीवर, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो बाल की प्रकृति वंशागत नहीं है, आंसर आपका 20 का हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, इसमें समूहों की संख्या 18 होती है, सब लोग याद रखो 18 होती है, डी नंबर वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 22 का बी नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, आंसर आप लोग बी नंबर वाला याद रखना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? सबसे बड़ा तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है, मैंने आपको बताया था कि तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा लाल रंग का होता है और कम होता है बैंगनी का, ठीक है, और बैंगनी और नीला का। अब देखो अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, जो बाएं हाथ की तर्जनी होती है वो संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को संकेत करती है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ईंधन के रूप में किस यौगिक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो 26 का आपका करेक्ट आंसर देखो एथेनॉल। एथेनॉल का अणुसूत्र होता है C2H5, जिसको हम लोग इथाइल और कोल भी बोलते हैं, आपके एग्जाम में इसका अणुसूत्र पूछा गया है कई बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को अगर नीला करता है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? तो समझ सकते हैं इसका आंसर होगा बी नंबर, क्षार होगा। क्या होगा जी? क्षार होगा, क्षार ऐसे लिखा जाता है, क्षार होगा, ठीक है, याद करना, क्षार होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, तो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, क्या ली जाती है? तो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, तो यहाँ पर 30 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, दिमाग है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का यहाँ पर कुछ डाउट है, क्वेश्चन गलती लिख दिया, ठीक है, तो हलने से उपरांत इस क्वेश्चन को छोड़ ही दो आप लोग, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है, देखो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यहाँ पर ए नंबर आंसर हो जाएगा 32 का। और यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है, निरूपित नहीं करता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा ना, और नहीं करता है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कौन निरूपित करता है, तो ISYR ये निरूपित करता है, केवल यही आपका आंसर सही होगा, यही आपका निरूपित करता है, बाकी कोई निरूपित नहीं करता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन